अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं और जैन आज जा रहे हैं एक जगह, बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह है। एक हमारे ख़ास दोस्त हैं, उन्होंने इनवाइट किया है और बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो व्लॉग के अंदर एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको उस जगह पर चल के ज्वाइन करता हूँ। और वो कहाँ पहुँच चुके हैं ये देखें, अगर आप देख सकते हैं तो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ पूरा व्यू, कनेक्ट रहेगा। Here we go. Assalamualaikum. So guys, we are at the Iron Lifters और ये बहुत ही आउट क्लास जगह खोली है इन्होंने और इसी वीक इसकी ओपनिंग हुई है। और ये एंट्रेंस है जिम की, तो पहले मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं कि वो हमें अलाउ करते हैं जिम के अंदर जाने का, तो हम अंदर जाएंगे। ऐसे बिना इजाज़त के किसी जगह जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अस्सलामुअलैकुम सर, ऐसे आप ठीक हैं। तो ये हमारे भाई हैं, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ खोली है और पहले हम इनसे पूछते हैं कि हमें अलाउ करते हैं कि नहीं करते। सर आपका गुड नेम? रिजवान खान साहब हैं और इन्होंने बहुत ही आउट क्लास चीज़ खोली है, लेकिन अंदर जाने का बस नहीं चल रहा। मैं पूछता हूँ पहले, सर कैन वी गो इनसाइड? तो परमिशन मिल गई है, चलते हैं अंदर। शुड बी ओपन 3 ओके। फेस डिटेक्टर भी लगा हुआ है इसके अंदर, ज़बरदस्त। सो स्टार्टिंग के अंदर हमें एक चीज़ मिलती है, पहले मैं आपको सब डिस्क्राइब कर देता हूँ, उसके बाद इनसे पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो कार्डियो लगा हुआ है यहाँ पर सारा, और ये सारा जो कार्डियो लगा हुआ है ये समझ लें फर्स्ट टाइम इन हैदराबाद कोई जिम अवेल कर रहा है चीज़ें कार्डियो के अंदर। या आप देख सकते हैं इलेप्टिकल्स हैं। इस आगे इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कहाँ कैसे स्टार्टअप लिया, क्या क्या चीज़ें की, लेकिन पहले मैं आपको एक विज़िट करवा देता हूँ जिम का, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये अभी इनकी रिसेंटली ही ओपनिंग हुई है, ये साइकिलिंग एरिया है और ये जो फर्स्ट टाइम हैदराबाद के अंदर किसी ने अवेल की है क्रॉसफिट। क्रॉसफिट की तरफ कोई आता ही नहीं है, इसे सब समझते हैं कि ये एक बेकार सी चीज़ है, कौन करेगा कैसे करेगा, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है, ये है क्रॉसफिट। ये तमाम चीज़ें क्रॉसफिट की हैं। ओके, ऊपर जाने से पहले तीन चीज़ें यहाँ पे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़ वॉशरूम एरिया, इनका चेक करें आप। ये मुझे लग रहा है कि मैं हैदराबाद के अंदर नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। ये बाथिंग एरिया है इनका, ठीक है। और सेकेंडली ये हमें बता रहे हैं कि इनका सुहाना, ओहो दैट इज़ आउट क्लास। ये स्टीम सुहाना एरिया ये पूरा, और पूरा वुडन वर्क हुआ है अंदर जो कि बहुत ही आउट क्लास है। एंड द थर्ड इज़ स्टीम रूम, ये बेसिकली फैट लूज जो करते हैं लोग उनके लिए है, इसके अंदर पूरी स्टीम बन जाती है और ये स्टीम रूम है इनका। ये इनका ग्राउंड फ्लोर है और बहुत आउट क्लास चीज़ें हैं इसके ऊपर। अब यहाँ से हम फ्री होके अब ऊपर चलते हैं। ओके, अभी इन्होंने मुझे बताया कि इनके पास ये अभी तो रिसेंटली ओपन हुआ है, तो इन्होंने एक न्यू चीज़ भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। क्या क्लास है, चेक करें आप कि ये बार पूरा किस तरह बना हुआ है और शेल्फ जो सामने आपको दिख रही है उसके अंदर सारे प्रोटीन बार्स आएंगे सब कुछ। अब ये है लॉकर रूम, यहाँ भाई खोल के दिखाएंगे हमें लॉकर रूम ये पूरा, और इसे एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। बैंड होता है, ठीक है, आपके पास ओके पासवर्ड भी लगा सकते हो। ओके ओके, ओ माय गॉड, ओ कम्प्लीटली एआई परफॉर्मेंस, एआई टेक्नोलॉजी है कम्प्लीट यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये आप बैंड के थ्रू अपना लॉकर, अपना मोबाइल, अपना कुछ भी सामान, सेफ सामान यहाँ बिल्कुल अपने आपके जितने भी बड़े आईफोन हो आप यहाँ सेफ्टी के साथ ले जा सकते हैं। और सेकेंडली यहाँ पर आप अपने चेंजिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डायरेक्ट ऑफिस से आए, आपने यहाँ आके सबसे पहले अपने चेंज कर लिया अपना रूम, रूम के अंदर आके कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, अपने ट्रैक सूट पहन लिया और यहाँ पे अपनी काम की चीज़ें रख दी। नेक्स्ट मूव टू अपवर्ड्स, दैट इज़ द ड्रीम वर्ल्ड, ये है पूरा ड्रीम वर्ल्ड। ये गाइस मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ एक व्यू, ये है पूरा ड्रीम वर्ल्ड। ड्रीम वर्ल्ड एक कराची में भी है, लेकिन वो नाम का ड्रीम वर्ल्ड है, सॉरी टू कराची व्यूअर्स, लेकिन इट इज़ कॉल्ड ड्रीम। जैसे आप जिम्स देखते हैं अपने वीडियोस के अंदर यूट्यूब के ऊपर, जो बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं
वो ऐसे जिम्स के अंदर होते हैं, लेकिन आप यहाँ चेक कर सकते हैं व्हाट मेरे मुंह में ना ऐसे जायके आ रहे हैं डंबल्स देख के कि मैं आपको क्या बताऊँ। डंबल्स इनके पास बहुत बड़ी रेंज है, या आप देख सकते हैं आपकी आंखें थक जाएंगी लेकिन डंबल्स ख़त्म नहीं होंगे इनके पास। बेंचेस बिल्कुल एक फर्निश्ड जिम है, बिल्कुल फर्निश्ड। और यहाँ पर आपको वर्कआउट करने के लिए भी अपनी डाइट प्रॉपर रखनी पड़ेगी, सब चीज़ें प्रॉपर करनी पड़ेंगी तो आप इसके अंदर एडमिशन लें। गाइस अब हम आ गए रूफ़ के ऊपर और ये जनरेटर ऑन है यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा सा शोर है, लेकिन आप रूफ़ के ऊपर देख सकते हैं एटमॉस्फेयर। ऐसी छत से आपका कभी भी दिल नहीं चाहेगा कि मैं नीचे जाऊँ। ये यहाँ पर टायर वर्क है, बेंच है और स्मिथ मशीन है। मैं आपको सब चीज़ें यूज़ करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लें। सबसे पहले यहाँ पर हमें मिल गया था कि हैमर स्लैमिंग, ये हैमर के ऊपर टायर आप स्लैम करते हैं, और उसके बाद ये रोपिंग, ये बहुत ही आउट क्लास वर्कआउट है, ये पूरा कंप्लीट बॉडी वर्कआउट इससे हो जाता है आप। और ये रोप काफ़ी ज़्यादा थिक थी, मैंने इसमें जब चेक किया तो ये ड्रैगर है कि वेट ड्रैग कर सकते हैं आप इसके अंदर डाल के। और उसके बाद फिर जंपिंग, इट इज़ वेरी गुड, इससे आपका आप स्टेप बाय स्टेप इस ब्लॉक को कभी नीचे और ऊपर भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैं जब बॉडी बिल्डिंग साइड गया तो ये रॉड बहुत स्मूथ थी, काफ़ी थिक थी और बहुत अच्छी ग्रिप इसके ऊपर आ रही थी। सेकंड मैंने यहाँ पर चीज़ ये देखी कि यहाँ रॉड आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर वेट कितना ऑथेंटिकली हम डाल रहे हैं। देखें इसमें आपने वेट डाल दिया, ठीक है, दोनों साइड्स पे आपने वेट अपना लगा दिया, जितने की भी बड़ी आप प्लेट लगा सकते हैं इसमें, हाईएस्ट 3 प्लेटें आ सकती हैं जितने की भी आप लगा सकें। उसके बाद आप इससे ट्राइसेप्स कर सकते हैं, बाइसेप्स कर सकते हैं। इसके बाद थी केबल क्रॉस, केबल क्रॉस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही थी बिल्कुल, और ये इसके अंदर रबड़ के हैंडल्स थे। देन ये लेग प्रेस, ये बिल्कुल जेन्युइन लेग प्रेस मशीन थी वहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास स्मूथली बिल्कुल वर्क कर रही थी ये। इसमें आप थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं इसे और आगे भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड कर सकता है कि आप कितनी विड्थियाँ लेंथ चाहते हैं। आफ्टर दैट डंबल्स, डंबल्स मैंने ट्राई किए, बहुत अच्छा वेट था, बिल्कुल मसल के ऊपर लग रहा था बिल्कुल वेट। ये 10 kg वेट है और तकरीबन टिल 50 kg तक का डंबल मैंने यहाँ पर देखा, और बिल्कुल मसल के ऊपर लग रहा था डंबल और सेम वेट का डंबल था, यानी कि आड़ा टेढ़ा डंबल बिल्कुल नहीं। फिर लैट पुल डाउन, लैट पुल डाउन के अंदर आपकी रोइंग मशीन का भी हैंडल आप देख सकते हैं मेरे फ्रंट पर, लेकिन लैट पुल डाउन बिल्कुल स्मूथली चल रही थी। एंड देन लेग एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन 2-in-1 है ये, ये लेग एक्सटेंशन भी है और इसके अंदर लेग कर्ल भी है। ये लेग कर्ल आ गए इसके अंदर, आप आगे से सपोर्ट लेकर और लेग कर्ल भी लगा सकते हैं इसके अंदर इजीली। 2-in-1 मशीन थी ये, बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास, बहुत ही स्मूथ। आफ्टर दैट चिनअप्स, जो चिनअप्स नहीं लगा सकते वो यहाँ वेट ऐड करके अपने नीज़ पे रखें, मशीन आपको खुद पुश करेगी ऊपर की तरफ और आपका मसल भी वर्क करेगा और आपका स्टेमिना भी कम लगेगा इसमें। देन मैंने डंबल्स चेक किए चेस्ट पे, मशीन मैंने बेंच चेक की, बेंच ऑटोमेटिक है बिल्कुल, इसमें कोई पिन निकाल के लगानी नहीं है आपने, बिल्कुल ऑटोमेटिक है। और वेट 20 kg था, बहुत आउट क्लास वेट था। देन मैंने रोप चेक की, रोप के साथ 2-in-1 मशीन है ये, ठीक है, ये आपने रोप कर ली, देन ये आपने बाइसेप कर्ल उठा ली, ये कर्लिंग रॉड थी, इससे आप सुपर सेट ईजिली कर सकते हैं और बहुत अच्छा फील आएगा आपके आर्म के ऊपर। देन ये है लाइक स्मिथ मशीन है, लेकिन ये मैनुअल है, इस पर आप ईजिली अपना शोल्डर वर्कआउट कर सकते हैं। ये आपने रॉड ग्रैप की यहाँ से, बिल्कुल बैलेंस के साथ आप आगे लाए, और फ्रंट प्रेसेस और बैक प्रेसेस आप इजीली लगा सकते हैं इसके ऊपर, और बहुत ही अच्छी इसके अंदर मूवमेंट है, पीछे सपोर्ट के लिए भी जगह दी हुई है कि कोई सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाए। देन बेंच प्रेस, इसी तरह इंक्लाइन भी थी, लेकिन ये बेंच प्रेस इतनी स्मूथ थी कि आपकी रॉड जो है वो तकरीबन 17-18 kg की रॉड थी। देन आप वेट अपना ऐड करें। फिर ये है आपकी स्क्वाट्स का एरिया, स्क्वाट्स के एरिया में आपको लेंथ मिल जाती है, भले 6 फिट का बंदा हो, 5 फिट का, 5.5 फिट का, उसके लिए हाइट दी हुई है, और यहाँ आप इजीली स्क्वाट्स ट्रेन कर सकते हैं। आपके करीब में ही प्लेट्स भी रखी हुई हैं, बहुत ही आउट क्लास चीज़ है। आफ्टर दैट ये शोल्डर की मशीन है, ठीक है, शोल्डर इंक्लाइन बेंच के साथ ये शोल्डर प्रेसेस हैं, आप जितनी प्लेट्स डाल सकें, सिंगल हैंडेड लगा सकें लगा सकते हैं। और क्रॉसफिट एरिया के अंदर ये बॉलिंग है, ये आप बिल्कुल ध्यान से लगाएं क्योंकि बाउंस बैक बहुत तेज़ी से बॉल आती है और इसमें आपका फोकस बनता है इस एक्सरसाइज से। देन इट इज़ जंपिंग, जंपिंग के थ्रू आप अपना
जो कैलोरीज हैं वो बर्न कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद थी बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में पंचिंग बैग काफ़ी ज़्यादा हैवी था और इस पर पंचिंग, ये मैं फुल पावर से पंचेज मार रहा हूँ इसके ऊपर और आप देख सकते कितना स्लो मूव कर रहा है पंचिंग बैग, इतना ज़्यादा हैवी था। देन यहाँ पे क्रॉसफिट के अंदर लंचेज मैंने ट्राई की, इस वेट के थ्रू काफ़ी हैवी वेट था लेकिन मैंने सबसे लाइटेस्ट उठाया। और ये चीज़ जो आप देख रहे हैं अभी इसके अंदर कार्डियो में, ये बहुत ही जेन्युइन मशीन है, ये यहाँ पर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, ये आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं और इन्होंने इंपोर्ट किया। और काफ़ी तो आई होप कि आपको जिम पसंद आया होगा। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो एंड तक भी बाकी है, तो आप जुड़े रहिएगा पार्ट टू के लिए। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।